पे आपका इस कन्वर्जेशन में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मूवी के बारे में, एक हसीना थी, जैसे हम जानते हैं कि आप ब्रिटिश में लंदन में रहती हैं, आपके मॉम डैड पंजाब, आप एक एज ए इंडियन हैं तो आप ब्रिटिश में जाके रहनी है, तो ये प्रोजेक्ट एक बॉलीवुड डेब्यू आपको कैसे मिला? ये एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं इसमें मतलब बॉलीवुड की लाइन में आऊँ, और मैंने अपना पहला जो मॉडल पोर्टफोलियो यहाँ पे कराया था बॉलीवुड के लिए, उसी ज़रिए मेरा ये जो काम था, उसी मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ से आई। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक फर्स्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड, लंदन से यहाँ बॉलीवुड मूवी करने, पूरा जर्नी कैसी थी? लाइक सुनील दर्शन की बात करें, भूपेन पटेल की बात करें, नताशा जी की बात करें, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने में एक्सपीरियंस? सब बहुत अच्छे थे, एवरीबडी वॉज वेरी प्रोफेशनल, और मज़ा भी आया काम करने में। आपको तो पता ही है सुनील दर्शन की तो बहुत सारी फिल्में हैं, तो इट्स अ रियली बिग ब्रांड, और मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करने के लिए मिली, और सब लोग बहुत अच्छे से मतलब थे एज फ्रेंड्स, सेट पर भी और ऑफ स्क्रीन भी। तो जैसे आप लंदन में रहती हैं, तो लंदन में रहने के बावजूद भी आप इंडिया आके ये मूवी करना, मतलब बचपन से ही सोच रखा था कि एक बॉलीवुड एक्टर बनना है, या लंदन में ही कुछ करने का सोचा था? नहीं, लंदन में तो कर ही रही थी जी, और जब मौका मिला कि यहाँ पे आके कुछ करूँ, तो नेचुरली मुझे था कि जो एक्चुअल ड्रीम था वो यहाँ पे होकर मतलब सच होना चाहिए। कैरेक्टर क्या था आपकी? कैरेक्टर भी मेरा ब्रिटिश का ही था जी, और सो ज़्यादा चेंज मतलब अपने आप को नहीं करना पड़ा एज अ ब्रिटिश गर्ल, एंड द अपॉर्चुनिटी वॉज वेरी नाइस। आई थिंक कहते हैं ना, जब आपके स्टार्स अलाइन होते हैं तो सब कुछ, इट ऑल हैपेंस टुगेदर एट वंस। तो स्क्रिप्ट की बात करें, तो स्क्रिप्ट जब दी गई थी, लाइक थोड़ा डिफिकल्टी रही होगी लाइक ब्रिटिश गर्ल प्ले करने में? ब्रिटिश गर्ल प्ले करने में तो आपको बहुत आसानी रही होगी, लाइक हिंदी में दिया गया था स्क्रिप्ट, इंग्लिश में, और सुनील दर्शन जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा जानना चाहिए। तो स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में ही थी और डायलॉग्स भी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में थे, तो माय हिंदी इज़ नॉट दैट बैड, इतनी भी बुरी नहीं है नहीं, बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। और सुनील सर के साथ मैंने जब भी कुछ भी डिस्कस करना चाहा तो इट वाज फाइन अबाउट ऑल ऑफ द कैरेक्टर, एंड ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, तो ठीक था। जैसे लंदन में आप रहती हैं, तो वहाँ के लोगों का देखने का नज़रिया क्या है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और लोग वहाँ के सुपरस्टार वहाँ फेमस कौन है बॉलीवुड स्टार में लंदन में? लंदन में तो ज़्यादातर प्रियंका को सब जानते हैं जी, बिकॉज वो हॉलीवुड में भी जा चुके हैं अभी जी, और दीपिका नेम इज़ नाउ कमिंग आउट। या तो आपके कौन फेवरेट? मेरे सब अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके साथ काम करना है आगे चल के। प्रियंका से मैं मिल चुकी हूँ एक्चुअली इन लंदन, तो शी इज़ वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग, तो उनसे कुछ बहुत ज़्यादा सीखना भी मतलब है, और मिले भी है मतलब जितना भी काम उसने किया है अब तक, सात खून माफ एंड ऑल दीज डिफरेंट फिल्म्स दैट शी इज़ डन हैव ऑल बीन वेरी इंस्पायरिंग। जैसे इंडिया की लड़की होने के बावजूद लंदन में जाके पहली बॉलीवुड हिंदी सिनेमा मूवी मिलना, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बेटी को पहली बॉलीवुड मूवी मिली है, क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी आपके पेरेंट्स को? पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बॉलीवुड में थोड़ा बहुत तो होता है ना सबको कि जाना है कि नहीं जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना, इंग्लिश टीवी करना वगैरह, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ का माहौल, और यू नो अननोन जैसे कहते हैं, थोड़ा सा वाइल्ड है सबका मानना है, तो उनका थोड़ा सा यही था कि बी केयरफुल, लेकिन अगर चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हो रहा है तो जाओ, इट्स नाइस, प्लीज थे, हैप्पी थे। पिक्चर देखी आपके पेरेंट्स ने? नहीं, बिकॉज यूके में ये नहीं रिलीज होने वाली है। आप कभी दिखाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स दिखाना चाहेंगे, जरूर। हाँ,
तो आगे के आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब बॉलीवुड मूवीज करना चाहेंगी या फिर और भी कुछ सोचा है आगे? बॉलीवुड तो एक मतलब एक साइड पे है ही, डेफिनेटली हम करना चाहेंगे. और आई एम एक्चुअली इन टॉक्स विद फॉर पंजाबी सिनेमा. पंजाबी हूँ, मम्मी डैडी दोनों, आप एज यू सेड फ्रॉम इंडिया पंजाब, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी इफ़ आई कैन डू पंजाबी फिल्म. ज़्यादा कहाँ रहना पसंद है, इंडिया में या लंदन में? दोनों अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन वो जो ओके बाज़, मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगा. यहाँ का ओके मतलब जो बाज़ है इट्स वेरी कैचिंग और वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी नाइस. कोई ऐसी खास चीज़ इंडिया की जो बहुत पसंद है, लाइक फूड, प्लेसेस, हॉलीडे प्लेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं? मुझे यहाँ के मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, आई थिंक द पीपल आर वेरी नाइस हियर, पीपल जेन्युइनली वेरी फ्रेंडली, ओपन एंड काफ़ी वार्म मुझे लगते हैं. और सब मस्त रहते हैं अपनी अपनी दुनिया में, सब मस्त रहते हैं. आई हैव बीन हियर नाउ 1 वीक और मैंने देखा है कि सब लगे हैं, कोई मतलब किसी से कुछ नहीं, इट्स जस्ट बिंदास जैसे कि आप लोग बोलते हैं. वो अच्छा लगा. तो जैसे आज मूवी रिलीज हुई है तो रेस्पॉन्स जिस तरह का मिल रहा है, उस कितनी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से खरी उतरी है मूवी या और भी ज़्यादा आपको था कि और चलनी चाहिए? मूवी एक्चुअली जैसे बनी है अच्छी बनी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सब जगह ये जाना चाहिए, मतलब आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये जी इसको जाना चाहिए, जी बिकॉज़ बनी वो यहाँ वहाँ पे यूके में बनी है, और अगर वहाँ पे लोग नहीं देखेंगे तो दैट्स नॉट फेयर. जब आपको मूवी दी गई थी, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या ब्रीफ दिया गया था, कितने वर्कशॉप्स हुए, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हैं अपने कैरेक्टर के? मेरे पास टाइम था, आई हैड अ फ्यू मंथ्स टू प्रिपेयर माई सेल्फ रोल के लिए, और मैंने वन टू वन काफ़ी मतलब यू नो अपॉर्चुनिटीज़ थी सुनील से, सुनील सर से बात करने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने सीज़ की और उसका थोड़ा सा यू नो अगर चेंज करना है, अगर उनको कुछ और चाहिए तो यू नो तो ठीक था, ठीक था. एंड आई थिंक डे वन मेरे लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एक गाना था राजू खान के साथ, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, दैट वाज माइंड ब्लोइंग. सो तो जैसे बॉलीवुड में जितने एक्टर्स हैं, जो भी न्यू कमर्स आते हैं, उनका सपना होता है कि लाइक शाहरुख, सलमान, आमिर और जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो आपकी क्या ड्रीम है बॉलीवुड से, बॉलीवुड में काम करने के, और आगे और क्या क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या करना है? मुझे रणवीर सिंह को अच्छा लगता है, ओ आई थिंक उसका स्टार साइन मेरे जैसा ही है, कैंसेरियन है वो भी, और आई थिंक ही इज़ अ लिटिल क्रेजी, एंड उसका जो काम है इट्स ऑन पॉइंट ऑलवेज. मैंने उसकी सब मूवीज देखी हैं, एंड या इट वुड नाइस टू बी इफ आई एवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद समबडी लाइक दैट, आई थिंक दैट वुड बी ऑसम. एक जैसे एक रोल होता है हर एक इंसान के लिए, एक रोल बहुत इजी होता है करने के लिए, जैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है आपका जो आप चाहें कि फ्यूचर में करने मिले, लाइक पुलिस इंस्पेक्टर, क्रिमिनल, रोमांटिक गर्ल और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई जो आपको करना हो? आई थिंक बॉलीवुड की जो फेरी टेल होती है वो तो हर किसी से मतलब यू नो जुड़ी होती है कि हम कुछ सिमरन जैसा करें. सो फॉर मी आई थिंक अ रोमांटिक गर्ल, अ नाइस लव स्टोरी, तो ऐसा कुछ डेफिनेटली. सो आगे और आपके कौन फेवरेट डायरेक्टर है बॉलीवुड के, या लंदन में जब आप रहती थी तो बॉलीवुड पिक्चरें देखना कितना पसंद था आपको? वहाँ क्या कौन कौन से पिक्चर देखती थी और कौन कौन से एक्ट्रेस और हीरो को फॉलो करती थी? एक्ट्रेस तो को तो मैं सब फॉलो करती हूँ, और आमिर खान, सलमान, अक्षय कुमार, इन सबको फॉलो तो करती हूँ, लेकिन मूवीज़ मुझे दंगल मैंने देखी थी जो मुझे एब्सोल्युटली मतलब आई थिंक वो जो सोशल मैसेज था लड़कियों का, मुझे वो बहुत पसंद आया. मुझे मीनिंगफुल स्टोरीज अच्छी लगती हैं, एंड आई थिंक अच्छी बात है कि सिनेमा उस तरफ ही जा रहा है. बाहुबली की बात करें तो बाहुबली देखिए आप? बाहुबली मैंने पार्ट वन देखी है, सेकंड वन अभी नहीं देखी है. ओके या तो लेकिन बाहुबली इट वॉज कैसी गुड, थी? एक्सलेंट थी.
रियली गुड थी एक्चुअली. इज माई फर्स्ट फिल्म के मैंने देखी फ्रॉम इंडियन सिनेमा. हाँ जी. या तो हॉलीवुड में ऐसा कोई सोच है या थिंक है, थॉट है कि हॉलीवुड में भी कोई मूवीज करना है? लाइक जैसे आप वहाँ पर असाइनमेंट करती हैं मॉडलिंग असाइनमेंट, तो वहाँ पर मॉडलिंग असाइनमेंट के अलावा और भी कुछ करना है वहाँ पर, ऐसा कुछ आई थिंक प्लान है? अभी सब चाहते हैं कि इस लाइन पर मतलब कम करें, लेकिन मेरा इस टाइम में मतलब बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा के तरफ मेरा ध्यान है अभी. तो आई विल नेवर से नो, लेकिन मतलब जो पैशन है वो अभी इस मतलब लाइन में लाइक करता है अभी. पेरेंट्स कितना मतलब इसमें हेल्प कर रहे हैं और आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप करिए और बॉलीवुड करिए, पंजाबी करिए, ऐसा कुछ? मम्मा को है कि थोड़ा सा पंजाबी की तरफ ये जाए. या उनको दिलजीत दोसांझ बहुत पसंद है. अच्छे वो सबको ही पसंद है. लेकिन हाँ उनका थोड़ा सा ये है, लेकिन मॉरली वो बहुत सपोर्ट करते हैं और दैट्स द मेन थिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी. बचपन से ही मतलब चाहती कि एक्ट्रेस बनना है या और भी कुछ? लाइक कॉलेज में सोचते कि मेरी लड़की इंजीनियर बने, मेरी लड़की डॉक्टर बने, तो ऐसा डैड का कोई थिंकिंग थी कि मेरी लड़की नहीं एक्ट्रेस बनेगी? एक्चुअली उन लोगों ने मुझे एक्टिंग ही करते देखा है लिविंग रूम में. okay. कभी कोई डांस, कभी कुछ, कभी कुछ. एंड स्कूल में भी मेरा डांस और ड्रामे में ही मतलब ध्यान रहता था. एंड आई वाज अ गुड इंग्लिश स्टूडेंट. एंड लेकिन नो, उन लोगों ने कभी फोर्स नहीं किया डॉक्टर बनो और लॉयर बनो. नहीं, मुझे नहीं, मैं एक ही लड़की हूँ घर में, तो मैं जो करती थी ठीक थे. कर लेने तो. नहीं होता नहीं कि रिलेटिव्स होते हैं कि नहीं बॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड का एक अलग ही लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि नहीं लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए बॉलीवुड. तो ऐसा कुछ प्रेशराइज होता था पेरेंट्स पे कि नहीं बॉलीवुड में नहीं जाना है तो दूसरा? प्रेशर था जब मैं मतलब 16 थी, तो तब तक उन लोगों को आस थी कि इसका जो भूत है वो उतर जाएगा. लेकिन नहीं उतरा. सो तब से थोड़ा थोड़ा मतलब दे वर टेलिंग मी के नहीं कुछ और करो अभी. तो मैंने HR की स्टडीज की हैं. सो आई एम HR प्रोफेशनल एज वेल. हु इज योर इंस्पिरेशन मतलब एक्ट्रेस बनने में या कोई भी ऐसा काम करने में? हु इज योर इंस्पिरेशन? प्रियंका डेफिनेटली. बट मतलब इफ आई गो बैक सम टाइम देन डेफिनेटली माधुरी दीक्षित. ओके. माधुरी दीक्षित डांस लाइक अमेजिंग. उसका जो भी है, वेदर इस चोली के पीछे, वेदर इस चने के खेत में, सब भी मतलब हाँ, इट्स अमेजिंग. डांस करना पसंद है बहुत. स्पेशली भंगड़ा म्यूजिक. हाँ क्यों नहीं, एब्सोल्युटली. अगर गाना अच्छा हो और the opportunity is there, then I will cut it. Wish you all the best for the future. Thank you so much for your time.